जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक ही गणित में। प्यारे बच्चों, आप जो पिछला वीडियो देख चुके हैं उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। उसमें दो क्वेश्चन जो है प्रश्न आपको मिल पाए थे, उसका तीसरा पार्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर पिछले का जो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है इसमें, आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना होता है क्या है कि दिए गए समीकरण का जो है हमें अस्तित्व पता करना है, यानी कि यदि अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। बच्चों, अस्तित्व के लिए हमें क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हमें ए मान लेना होता है, यानी कि ए बराबर कितना आपका 4 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे होता है x के गुणांक में उसे हम b मान लेते हैं, b का मान आपका 4√3 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, b का मान आपका 4√3 हो जाएगा और c जो है वो अचर पद होता है, यानी कि 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। तो आपका बी स्क्वायर कितना है, आपका 4√3 है, 4√3² हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, देख रहे हैं ना फार्मूला है, तो माइनस लगा लेंगे, 4 लिख लेंगे, ए का मान कितना है आपका 4 है, गुणे 4 कर लेंगे, और सी का मान आपका 3 है, गुणे 3 हो जाएगा। चलिए देखिए, आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है कि जो रूट में 3 है और स्क्वायर जो है दोनों पे है, 4 पे भी है और 3 पर भी है। ठीक है, जो 4 है आपका, 4 पे 4 का वर्ग करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये जो 3 है ये 4 के गुना में है, तो रूट हटेगा 3 से, क्योंकि ऊपर वर्ग लगा हुआ तो वर्ग इधर कट जाएगा, वर्ग हटेगा तो रूट भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 का 16 से गुना करेंगे 48 आएगा आपका। ठीक है, यानी कि 16 * 3 = 48 गुने माइनस का, आप देखिएगा 4 चौके 16 * 3 = 48 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना 48 से 48 जाता है, 0 आता है, यानी कि d बराबर कितना आया, 0 आया। ठीक है, धनात्मक है हालांकि। ठीक है, यदि 0 आता है तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ आपको, यदि d का मान 0 आता है, यानी यहाँ पे ठीक है 0 आता है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि जो समीकरण आपको दे रखा है उस समीकरण के दो, जो समीकरण आपको दिया है उसके दो समान मूल होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये धनात्मक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः समीकरण के, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अतः समीकरण के दो समान मूल है, देख रहे हैं ना, तो दो समान मूल है आपके यहाँ पे। ठीक है, दो समान मूल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए दो समान मूल है, तो अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको ये वाला पूरा समीकरण ले लेना है। चलिए 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, अब 4 वर्ग होता है, यानी किसका, 2 का। ठीक है, तो यानी कि इसका वर्ग मूल लिख लेंगे, यानी कि 2x² हो जाएगा आपके। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x² + 4√3x + 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो दिया दे रहा है किसका है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, तो ये आपका होता है 2ab का, और ये आपका a होता है, यानी कि a 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2ab का, बच्चों में b नहीं पता है, b निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए, तो b बराबर आपको लिख लेना है 2ab बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि 4√3x। ठीक है, 4√3x। अब बच्चों आपको मालूम है ये हमने किसे मान लिया, 2x है यहाँ पे, तो ये आपका a है, a बराबर आपका 2x है, दिख रहा है ना, तो a बराबर आपका 2x है, यहाँ पे हम रख देंगे a गुने में 2x गुने में b है 4√3x। ठीक है, दिख रहा है ना, तो 2x है, x से x कट जाएगा, दो दूने 4 है, तो 4 सीधा सीधा ये कट जाएगा, यानी कि b बराबर आपका कितना आता है, √3 आता है, √3। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ b² का मान जो आया हुआ है यहाँ पे, b² का मान जोड़ समीकरण में जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, जोड़ने व
घटाने पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में हम बी का मान, ये जो बी स्क्वायर का मान, ठीक है, तो बी स्क्वायर आप बराबर आपका हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो बी का मान बी स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर में एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे इसे। चलिए, किसी भी संख्या में आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, क्या मतलब, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अरे आपको 10 रुपए दे भी रहे हैं, 10 आपसे ले भी रहे हैं, तो आपको क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये कर लेना है। तो 2x² प्लस का 4√3x प्लस, सॉरी यहाँ पे आप, अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है, किसको, इसको, प्लस का √3² एक बार माइनस कर देना है √3², और प्लस का 3 = 0, ये वाला 3 आपका आ ही जाएगा, ठीक है, समझ रहा ना, ये आपका आ ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, देखिए इतना यहाँ से चल नहीं आता, ये क्या बन गया है, ये 2a + a + b का होल स्क्वायर बन गया है पूरा, ठीक है। हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, कैसे, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। देखिए तो a का मतलब 2x + b मतलब √3, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या, ये पूरा आप खोलेंगे तो ये यहां से यहां तक इतना आ जाएगा, ठीक है, बता इतना इसे उधर भेज देते हैं, ठीक है। कितना है, √3 है, √3 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो भाई देखिएगा माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3² और प्लस का, प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक बार और कर लेता हूँ यहीं पे, चलिए तो 2x + √3² अब ये √3 है, इस पर रूट भी लगा है, वर्ग भी लगा है, तो वर्ग हटेगा, रूट वर्ग भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, यानी कि 3 - 3 कितना बचता है आपको, यहाँ पे बचता है 2x + √3² = 0, ठीक है, इतना आपका यहाँ पे बचता है। चलिए इधर कर लेता हूँ मैं इसे, ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए चलिए, तो इसे ये आपका कितना बचा है 0। चलिए अब इसे खोल देता हूँ, एक मिनट, आपका इतना आ जाता है, तो आपको क्या करना है, अब इधर आपको कर देना, इसे इधर कर देता हूं आपका 2x, देखिए ये जो है आपका, इसको आप रूट जो वर्ग है इसे हटाएंगे तो 0 पे रूट लग जाएगा, 0 पे रूट का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपका कितना बचता है, 2x + √3 = 0 बचता है। बच्चा देखिए अब क्या करना है आपको, x का मान निकालना, x का तो कैसे निकालेंगे, इधर जाने दो √3 को उधर जाने दो, यानी कि 2x = कितना हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x है ना, तो 2 भी इधर जाने, ये है इधर जाएगा और आपका 2 भी इधर ही जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपका आ रहा है माइनस का √3/2, ठीक है, ये आपका मान आ रहा है। बच्चों पहले ही हम आपको बता चुके हैं इसके 2 समान मूल होंगे, तो ये और भी यही हो जाएगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आपका -3/2, ठीक है, आपका हो जाएगा -3, ये रखो, ठीक है, ये पे आपको हो जाता है, ठीक है, ये समझ गया ना। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपका अगला क्वेश्चन, तीसरा आपका कंप्लीट हो चुका है, अब चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट पार्ट नंबर, जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसका भी वही है कि दिए गए समीकरण है उनका आपको क्या निकालना है, अस्तित्व है तो उनका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अस्तित्व है इसकी पहले मुझे जांच करनी, चलिए तो देखते हैं। तो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 2, बी बराबर आपका 1 और सी बराबर आपका 4 हो जाएगा, ये वाला, ये वाला ये है, इसका ये, ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, तो d बराबर आपका होता है कितना होता है, b² - 4ac होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, d बराबर आपका b² - 4ac होता है। चलिए क्या करना है, b का मान कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको माइनस लगा है लगा दीजिएगा, 4 हो गया। a का मान कितना है आपका, 2 है, तो 2 गुणे में गुणे c का मान 4 है, चलिए 1 का स्क्वायर है 1 रहेगा, -4 × 2 = 8 32 हो जाएगा, 32 से 1 निकल जाएगा आपका, 31 बचेगा बच्चा, ठीक है, ये 31 बचा है आपका माइनस का। देखिए ये क्या आया, ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक आया है ना आपका मान, हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि जिसका मान, जो डी बराबर है आपका, डी बराबर आपका अगर ऋणात्मक आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लिख दीजिएगा, आता दिए गए
समीकरण का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है बच्चों। इसका अगर अस्तित्व ही नहीं है तो मूल क्या निकालेंगे हम, ठीक है? तो इसका मूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? आप समझ गए होंगे, चलो इतना ही। और इसके बाद मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए करिए इंतजार। जय हिंद।